तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन का एक बड़ा अपग्रेड वर्जन आने वाला है, जहां पर बाइक को 450 सीसी के इंजन के साथ लॉन्च किया जाने वाला है और काफ़ी टाइम से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी हाइप भी क्रिएटेड है। मैंने हाल ही में एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने इस बाइक की सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया था और आप लोग को बता दिया था कि बाइक के अंदर कौन से लुक्स आने वाले हैं, किस तरह का डिज़ाइन होने वाला है, बाइक किस तरीके से इंजन परफॉर्मेंस उसके अंदर मिलेगी, उसके अंदर कौन से फीचर्स आप लोग को मिल सकते हैं और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड प्राइस और उसके अंदर क्या लॉन्च डेट होने वाली है। कन्फर्म लॉन्च डेट जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आ चुकी है वो मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। बट अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग लुक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रियल इमेजेस इसकी बाहर आ चुकी हैं, तो आइए ज़रा बात करते हैं इसके रियल इमेज के बारे में और दिखाते हैं कि कैसी है ये एक्चुअल रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। तो अभी हाल ही में एक इमेज वायरल हो रही है जहां पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 वर्जन जो है वो वर्कशॉप में खड़ी हुई है, साथ ही में काफ़ी सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स दिखाई पड़ रही हैं और इस बाइक को पूरी तरीके से अनऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया गया है। ये वायरल इमेज ऑनलाइन अवेलेबल है और मैंने वहीं से आप लोग को लेकर बताना चाहा है कि बाइक किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, जो रॉयल एनफील्ड की ये हिमालयन है, सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो फ्रंट जो है वो चेंज दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर जो आप लोग को हेडलैम्प काउल मिल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है, इसका तो थोड़ा सा ब्लैक शेड आ रहा है। जो नॉर्मल हिमालयन के अंदर आता है उसके अंदर आप लोगों को व्हाइट ट्रांसपेरेंट मिलता है और इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक शेड आ रहा है। साथ ही सर्कुलर हेडलैम्प्स के अंदर मिल रहे हैं और इसमें जो आप लोगों को एडवेंचर टूरर वाला जो बीक होती है वो आप लोगों को सामने से जो फ्रंट होता है वो आप लोगों को बिल्कुल एडवेंचर टूरर वाला दिख रहा है, जो अब थोड़ा चेंज हो चुका है जो करंट हिमालयन आती है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो टायर है वो काफी पतले दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरी चीज इसमें यह है कि इसके अंदर जो एलॉय व्हील्स हैं, जो उम्मीद किए जा रहे थे कि एलॉय व्हील्स आएंगे, वो इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को स्पोक्स व्हील्स मिल रहे हैं, बट जो सस्पेंशन की जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो इसके अंदर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो यूएसडी सस्पेंशन मिल रहे हैं बट जो टायर है वो आप लोगों को अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं, स्पोक्स व्हील्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि कोई वर्जन के साथ उसको अलॉय व्हील निकाल दिया जाए, बट जो सामने मॉडल दिख रहा है उसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं बल्कि स्पोक्स व्हील्स हैं। बाकी स्लिट सीट जो है आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रही है, काफी डिफरेंट सी दिखाई पड़ रही है, स्टाइलिंग उसकी अलग दिख रही है। और सबसे मेजर चेंज जो है वो इसके टैंक का है, जहां पर टैंक का डिजाइन जो है वो जो ट्रायम की एडवेंचर टूरर आती है, जो आप लोग देखते हैं कि ट्रायम टाइगर आती है, उसके अंदर जो टैंक होता है थोड़ा उस तरीके से, अगर आप लोग टॉप से इसके टैंक को देखते हैं तो कुछ उस तरीके से इसका टैंक दिखाई पड़ रहा है, एक एडवेंचर टूरर वाला पूरी तरीके से फील देने की कोशिश करी गई है। तो टैंक से बाइक का थोड़ा सा लुक बदल गया है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं फीचर्स की, तो आप लोग जानते हैं कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप लोग को एक बड़ा सर्कुलर सा आप लोग को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोग को नेविगेशन वगैरह भी मिलेगा और वो चीज सामने दिख रही है कि किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सर्कुलर है, बड़ा सा है, आप लोगों को कहीं ट्रिपल नेविगेशन साइड में नहीं दिख रहा है, बल्कि इसी के अंदर वो चीज इंटीग्रेटेड होने वाली है, आप लोगों को अलग से ट्रिपल नेविगेशन नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी ये बड़ा सा सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है काफी इंप्रेसिव लग रहा है और काफी क्लीन सा लुक बाइक को दे रहा है। बाकी इस बाइक के अंदर और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो अभी अनवील नहीं हुई है, तो जब इसका लॉन्च होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बाइक कब लॉन्च हो रही है वो आप लोग जानने के लिए, सारी डिटेल्स जानने के लिए ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने आप लोग को बताई है। ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, बहुत जल्दी बाइक लॉन्च होने वाली है, तो अगर आप लोग इस बाइक के लिए एक्साइटेड हैं तो मोनोनॉमिक्स के साथ जुड़े रहिएगा, जहां पर मैं आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। आज की इस वीडियो में यही था, क्विक अपडेट थी जो मैंने आप लोग को इस वायरल इमेज के बारे में बताई है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है हमारा एफर्ट पसंद आया है, लाइक करिए, वीडियो पसंद आई है लाइक करिए और मोटर वॉइस पहली बार आए एक बार दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें फॉलो करिए मोटोनॉमिक्स 1 इंस्टाग्राम पर।